चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, अ बुक सेलर बॉट 200 टेक्स्ट बुक फॉर रुपीज 12,000। ही वांटेड टू सेल देम एट अ प्रॉफिट सो दैट ही गॉट 20 बुक्स फ्री। एट व्हाट प्रॉफिट शुड ही सेल देम। एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपये में 200 पुस्तकें खरीदता है। वह उन्हें लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त में मिले तो उससे उसे उन्हें कितने लाभ प्रतिशत पे बेचना चाहिए। तो अगर चाहें तो थोड़ा सा अगर लॉजिक लाएंगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। टोटल कितनी बुक्स हैं उसके बारे में, 200 है, और वो कितनी चाहता है आपकी, 20 बुक फ्री चाहता है। यानी सिंपल सी बात है, 20 मेरे पास में, मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए कितनी, 200 बुक्स पे, इंटू अगर मैं 100 करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 10% आएगा। यानी कि वो जो प्रॉफिट होगा वो 10% के बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार समझ भी लेते हैं फिर भी। देखिए, 200 जो टेक्स्ट बुक दे रखी थी उसकी कीमत दे रखी थी आपकी 12,000 रुपये। इस 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे गया, यानी कि एक पुस्तक की कीमत कितनी थी आपकी, 60 रुपये। वो कितनी बुक फ्री करवाना चाहता है आपकी, 20, तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 6 दूनी 12, 1200 रुपये। यानी कि 1200 रुपये उसको प्रॉफिट चाहिए तब वो 20 बुक खरीदेगा। टोटल कितना है कॉस्ट प्राइस का, 12,000 इंटू में 100 करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो 10%। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।